वेलकम बैक टू चैनल गाइस। नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्नैपचैट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा स्नैपचैट के अंदर आप कैसे अपना जो अकाउंट है परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, वो भी आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के अंदर। तो आपको ये कैसे करना है, तो आप कोई भी ब्राउजर ले लीजिए। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर का यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका जो अकाउंट है स्नैपचैट का उससे लॉग इन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लॉग इन स्नैपचैट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैंने पहले से ही जो है अपना अकाउंट लॉग इन करके रखा हुआ है। तो उसके बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको यहाँ पे दिखेगा डिलीट माय अकाउंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो डिलीट अकाउंट यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में आपका जो यूज़र आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना है और आपका जो पासवर्ड है आपको यहाँ पे डालना है। तो आप देख सकते हैं आपका जो यूज़र आईडी आपको पहले से दिया होगा, नहीं तो आप फिर से डाल सकते हैं, और आपका पासवर्ड डालना है। उसके बाद में सीधा इसे कंटिन्यू के ऊपर टैप कर देगा और आपको कंफर्मेशन मांगेगा। उसके बाद में जो है आप जो है आपका जो स्नैपचैट है का अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना स्नैपचैट का अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।